उत्तराखंड में 15 फरवरी को वोटिंग होनी है और उससे पहले 13 फरवरी को कोटद्वार शहर में होने वाली चुनावी सभा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में ठन गई है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि वो इस मसले का शांतिपूर्ण हल निकाल लेगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सियासी पार्टियां चुनाव प्रचार और चुनावी सभा की तैयारी में जुट गई हैं। कोटद्वार में भी बीजेपी और कांग्रेस की चुनावी सभा की तैयारी चल रही है, जिसे लेकर दोनों दल एक दूसरे के आमने सामने हैं। बीजेपी का कहना है कि मालवीय उद्यान में रैली के लिए उन्होंने नगर पालिका से इजाजत ली है, जिसके लिए SDM को एप्लीकेशन भी दी गई है। तो हमने SDM साहब से यही कहा है कि ये जो है हमारी पहली वो है अप्लाई, पहली प्राथमिकता जो पहले अप्लाई करेगा उसकी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनावी सभा के लिए उन्होंने पहले अर्जी दी है, लिहाजा वहां कांग्रेस चुनावी सभा करेगी। सुरेंद्र सिंह नेगी ने बीजेपी पर चुनावी सभा को लेकर गफलत पैदा करने का आरोप भी लगाया और झूठ के आधार पर वो जीतने का प्रयास सोच रहे हैं, लेकिन इस बार जो है कोटद्वार की जनता न तो झूठे वाहनों से कहीं फंसने वाली है, न भ्रम फैलाने वालों के साथ देने वाली है कि मीटिंग वाला मामला है तो कहीं पर भी हो जाएगी, उसमें कोई हमको एतराज भी नहीं है। उधर प्रशासन भी बीजेपी और कांग्रेस की तकरार पर नजर बनाए हुए है। कोटद्वार के SDM के मुताबिक दोनों दलों ने एक ही जगह पर एक ही दिन चुनावी सभा के लिए इजाजत मांगी है, लिहाजा दोनों दलों को अलग अलग वक्त पर चुनावी सभा के लिए समय दिया जाएगा। कोशिश ये है कि दोनों को जो है 2.5-3 घंटा सुबह, 2.5-3 घंटा शाम को, इस तरह दोनों पार्टियों को अनुमति दी जाएगी और बीच में 1-1.5 घंटे का वो ब्रेकअप किया जाएगा ताकि जो है दोनों, हाँ, किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, दोनों पार्टियां जो है अपने जो भी सामग्री वगैरह है उसको हटा लें। उत्तराखंड में 15 फरवरी को वोटिंग होनी है और उससे पहले जनता को रिझाने की हर संभव कोशिशें की जाएंगी, लेकिन अशांति और अव्यवस्था ना फैले इसके लिए राजनीतिक दलों को संयम भी बरतना होगा, तभी राज्य में शांतिपूर्ण मतदान भी हो सकेगा और जनता अपनी पसंद की सरकार भी चुन सकेगी। कोटद्वार से दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।